नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं आप लोग को क्यूब रूट बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको क्यूब बताया कि किस तरह से नंबर्स के क्यूब बनाए जाते हैं, जैसे 22, 21, 43, इस तरह के क्यूब्स मैंने आपको लगभग सारे बता दिए हैं। सारे नहीं बताए हैं, 16-17 तक मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में जस्ट अवेलेबल करा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको अवेलेबल कराने में। बट आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हटके, जैसे हम क्यूब निकाल पा रहे हैं, क्या कभी किसी ने हमको अगर क्यूब ही पूछ लिया, अगर हमको किसी ने बोल दिया कि चलो ये बताइए ये किसका क्यूब है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो गया ना, क्योंकि आपने क्यूब किस तरह से याद किया हुआ है, वो तो एक नंबर्स को आपने वर्ड में कन्वर्ट करके वर्ड द्वारा इस नंबर्स को, बट अभी अगर मैं इसी वर्ड को आपको कन्वर्ट करने बोलूंगा उस नंबर से बताइए कौन सा क्यूब है, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी ना, क्योंकि आप इस वर्ड को नंबर में बनाएंगे, सॉरी इस नंबर्स को वर्ड में बनाएंगे, तो आपको वो याद होगा। बट उससे भी सिंपल ट्रिक, ये भी मात्र 4 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, 4 सेकंड के अंदर फर्स्ट प्रैक्टिस में। मैं लास्ट प्रैक्टिस नहीं बोल रहा, सिर्फ फर्स्ट प्रैक्टिस बोल रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, एक दिन भी प्रैक्टिस किया, तो आप इसको 1-2 सेकंड के अंदर आंसर बोल सकते हो, जैसे आपने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्यूब मैंने आपको हमेशा 11 से बताया, मतलब जो भी मेरे वीडियो है वो वीडियो मैंने 11 से बनाए हुए हैं, ना कि 1 से। क्यों? क्योंकि 1 से हमको 10 तक क्यूब हम आराम से याद कर सकते हैं। 1 से 10 तक क्यूब याद करना इतना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, हम उसको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम 1 से 10 तक याद कर लेते हैं, जो बेसिक है इस चीज के लिए। बस हमको इतना ही करना है कि 1 से 10 तक क्यूब याद कर लेना, बस उसके बाद हमको कुछ भी इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मतलब एनीथिंग, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमको 1 से 10 तक अगर क्यूब याद है तो हम इन प्रश्नों के आंसर कुछ सेकंडों में दे सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्या होता है, 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, ठीक है, 5 का 125, इसका 216 होता है, 7 का 343 होता है, इसका 512 होता है, इसका 729 होता है, और इसका 100 होता है, ठीक है। तो ये हो गए क्या क्यूब हो गए 1 से 10 तक। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 4 का 343 एंड 8 का 512 और 9 का 729 एंड 10 का 1000। बस इसी 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में आप किसी के भी स्क्वायर क्यूब रूट को बता सकते हैं। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, 166375, ठीक है। अब ट्रिक समझते हैं, अब आइए हम पहले तो देखते हैं ट्रिक से, व्हाट इज ट्रिक, ट्रिक क्या है, इस क्यूब का निकालने का ट्रिक क्या है। तो अब कभी भी आपको कभी भी नंबर्स कोई मिले, अगर उसका बोलेगा कि क्यूब रूट निकालो, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमको जो नंबर दिया हुआ है उसका जो लास्ट नंबर है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, उसको आप ऐसे बना लेंगे डैश करके। और अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो उस रूल्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 8, 9 का 9, फिर 0 का 0। इस तरह से मैंने आपको याद कराया हुआ। अगर आपने मेरा क्यूब का वीडियो नहीं देखा है तो पहले क्यूब वीडियो देखिए, क्यूब पे पूरे वीडियो देखेंगे आप, उसके बाद आपको ये रूल समझेगा, फिर उस रूल के तहत आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट प्लेस ऑफ 5 है, 6 है, 4 है, 2 है, 5, 2, 6, 3। तो हम बट पहले ट्रिक बात कर लेते हैं, तो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, यूनिट प्लेस ऑफ 5 है। अगर यूनिट प्लेस ऑफ 5 है तो हमारे रूल के हिसाब से इसके एक अंक में यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, है ना, 5 होगा। तो हमको एक नंबर मिल गया कि यहाँ पे 5 है, अब हमको फाइंड सेकंड नंबर करना है, सिर्फ हमको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, बस। सेकंड नंबर जैसे हमारा फाइंड आउट होता है हमको पता चल जाएगा कि वो किसका क्यूब है, ठीक है। तो अब जो पहले के दो नंबर होंगे इसको हमको कंसीडर नहीं करना है, इसको कैंसिल कर देना है, इसको हमको कंसीडर ही नहीं करना। तो पहले दो अंक, दो डिजिट जो भी है हमारे, उसको क्या करना है, कैंसिल कर देना है। उसके बाद जो 3 डिजिट बचते हैं हमारे, ठीक है, 3 डिजिट जो भी बचते हैं, उस डिजिट को देखना है कि इसके रेंज में कौन सा सबसे छोटा है, मतलब इससे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 166, ठीक है। तो 166 यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 166, इससे छोटा कौन सा है, 166 से। 216 ज्यादा हो जा रहा है, 125 मतलब 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, मतलब ये किसका क्यूब है, 55 का, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ट्रिक की, इस तरह से आपको निकालना है। अब देखिए किस तरह से स्पीड में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पीड में किस तरह से निकालेंगे, देखिए पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे 17, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17616। पहले तो हमको ये दो अंकों को कैंसिल कर देना है, यहाँ पे नीचे 6 लिख देना, क्योंकि 6 का 6 होता है, 175 यहाँ पे कौन सा है, 125, 216 ज्यादा हो जा रहा है, 125 मतलब 5, 56, तो ये किसका है, 56 का है,
ठीक है। तो इस तरह से आप अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। माइंड में किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए जैसे आपको नंबर बोला जाएगा तो आप लास्ट डिजिट पे पहले ध्यान देंगे, जैसे आपको लास्ट वाला डिजिट माइंड में आता है तो आपको नंबर उसको कन्वर्ट कर दीजिए। अगर टू बोला जाता है लास्ट में तो आप समझ जाइए कि एट है, अगर एट बोला जाता है तो टू है, बाकी थ्री का सेवन, सेवन का थ्री, बाकी कोई भी नंबर रहेगा एज इट इज रखना है। तो लास्ट डिजिट से आपने अपने माइंड में क्या करना है, सेट कर लेना है। उसके बाद के दो अंक क्या करना है, कैंसिल कर देना है, बाकी के थ्री अंक बचेंगे। उस थ्री अंक को यहाँ पे अगर आपने इस चीज को याद किया हुआ है तो माइंड में सॉल्व कर लीजिए कि ये तीन अंक वाला जो वर्ड है वहां पे कौन से अंक से छोटा है, ठीक है। मतलब कि इससे बड़ा हमको नहीं लेना, इससे छोटा ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। इससे छोटा कौन सा डिजिट यहाँ पे मिल रहा है उसके नंबर को यहाँ पे लिख देना है, खत्म, इतना ही सारे बात है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2744 2744 तो 2744 तो पहले क्या करना है, 4, ठीक है। लास्ट यहाँ पे दो डिजिट्स को कैंसिल कर देना है, बसता 2 है, 2 तो यहाँ पे 2 कोई है, यहाँ पे 8 है, तो 8 ज्यादा बड़ा हो जा रहा है इसलिए हम 1 लेंगे, तो ये किसका हो गया, 14 का हो गया। उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए 5832 दिया हुआ है, ठीक है, 5832। अब लास्ट यूनिट पे क्या है, 2 है, तो 2 का हम क्या लिखने वाले हैं, 8 लिखने वाले हैं, ठीक है। एक यूनिट तो हमको पता चल गया क्योंकि हम 2 का 8 लिखते हैं, 8 का 2 लिखते हैं, तो 2 का 8 आ गया लास्ट में। आप देखिए यहाँ पे 5 8 3 दिया, तो 3 को क्या करना है, कैंसिल, 8 3 को क्या करना है, कैंसिल कर देना है, बचा क्या 5, तो 5 से छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, 8 बड़ा हो जा रहा है तो 1, तो 18, ये किसका हो गया, 18 का, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट का दिया है 5, तो हमको पहला डिजिट मिल गया 5, ठीक है, 5 का 5 भी होता है, 1 2 को, 1 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 614 बचा रहा है, 614 को यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है, 614, 729 ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, 512, तो 512 किस पे है, 8 पे, तो 85, ठीक है, 85 का क्यूब हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 681472, तो हमको पहले यहाँ पे 2 दिया, तो हम पहले 8 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 लिखने के बाद आपने यहाँ पे 8 लिख लिया, आप दो अंकों क्या करना है, आपको कैंसिल कर देना है, दो नंबर को कैंसिल कर देना, आप बचा 681 किस पे है, 512, 729 ज्यादा हो जा रहा है, तो 512, 88, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 6 दिया होता है, 6 का 6 आएगा, 2 डिजिट्स को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 884, 884 कहाँ पे है, 729, यहाँ पे 729 है, तो 729 उससे आगे जाएंगे तो बड़ा हो जा रहा है क्या, 1000, बट बड़ा हमको नहीं लेना, हमको छोटा लेना है, 729 किस पे है, 96, 9 पे। नेक्स्ट क्या दिया, 3 का क्या होता है, 7 ना कि 3, तो 7 नेक्स्ट का 2 डिजिट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बचा क्या 912, 912 कहाँ पे है, 729, 1000 बड़ा हो जा रहा है, तो 912 पे कैसे करेंगे हम इसको, 9 लिख देंगे यहाँ पे, 97, ठीक है। तो अब ये आपको मेरे ख्याल से पूरी तरह से समझ गया रहेगा, ये है तरीका क्यूब फाइंड आउट करने के। ये तो था कि लिख लिख के प्रैक्टिस करने, मैं तो आपको समझा रहा था, नहीं तो आप इसको माइंड में एज 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी, अगर आपने इस क्यूब को बहुत अच्छे से मेमोराइज किया हुआ है तो आप 2 सेकंड के अंदर क्यूब रूट बता सकते हैं, क्यूब रूट तुरंत बता सकते हैं, और ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा छोटा ट्रिक है ये, ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और बहुत छोटा ट्रिक है, बहुत जल्दी आ जाता है समझ में, बट अगर इसको अगला अदर ट्रिक से करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये, ठीक है। बहुत सिंपल सा, बहुत हल्का ट्रिक है। अगर आपने क्यूब का वीडियो नहीं देखा है तो क्यूब वाली वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको फटाफट क्यूब निकालने के लिए भी दे सकते हैं क्यूब रूट भी, और अगर क्यूब निकालने आपको आ गया तो क्यूब रूट तो सिंपल सा है, आप उसको तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे क्यूब वाले वीडियो को नहीं देखा है, क्यूब रूट, सॉरी, क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। क्यूब की मैं